अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शेख मज़ार। आप देख रहे हैं SSA के न्यूज़। चलिए देखते हैं आज की अहम खबर। नमस्कार। हैदराबाद सिटी पुलिस टास्क फोर्स के तरफ से आज एक नोटोरियस इंटर स्टेट चेन स्नैचर क्रिमिनल को अरेस्ट किया गया। ये क्रिमिनल शंकर राव बिरादर, जो कि पिछले एक महीने के अंदर एक बाइक और दो चेन स्नैचिंग लंगर हाउस पुलिस स्टेशन, काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन और SR नगर पुलिस स्टेशन लिमिट में कमिट किए थे, ये तीनों केस डिटेक्ट हुए और इसके पास से ये बाइक और गोल्ड चेन भी रिकवर हुआ। दो गोल्ड चेन जो मंगलसूत्रम है, जिसका वेट 5.5 तुला है, और एक बजाज पल्सर 150 सीसी का बाइक, ये ओरिजिनली शंकर राव लातूर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का रहने वाला है और अभी कुछ समय से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाजू में काठेडान वहां रहता है। इसका बड़ा यूनिक MO है, एक बाइक चोरी करके चार पांच एरिया को रेकी करता है और रेकी के दौरान जहां लोग थोड़ा अलर्ट नहीं है, जहां इसको स्नैचिंग करना आसान दिखता है, वहां ये स्नैचिंग का अटेम्प्ट करता है। लेकिन इसको यह मालूम नहीं था कि हैदराबाद में हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, CCTV कैमरा है, कोई भी क्रिमिनल यहां ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते बाहर। हमारे टास्क फोर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ एडिशनल DCP चक्रवर्ती और लोकल पुलिस मिलकर इसको एक वीक के अंदर अरेस्ट करें। इसके ऊपर महाराष्ट्र में बहुत सारे केसेस हैं, लगभग 47 केसेस, जिसमें कि 33 चेन स्नैचिंग और 14 बाइक स्नैचिंग का केसेस है, जिसमें 20 पुलिस स्टेशन है महाराष्ट्र के, डेक्कन, अलंकार, स्वरगेट, भारती विद्यापीठ, चतुर्शृंगी,
खोंडावा, विश्रमबाग और सबसे ज्यादा किए एरागडा सेंट्रल जेल पुणे में भी जेल का सजा काट चुका है। और अभी हाल में जून 2020 को रिलीज होकर आया और इस बार ये सोचा कि हम हैदराबाद में क्राइम करेंगे, तो हैदराबाद में इसका गिरफ्तारी हुआ और अब हमारे एडिशनल डीसीपी इसके ऊपर पीडी एक्ट भी प्रिपेयर करने का प्लानिंग कर रहे हैं।